News 18, India. किसानों की मांगों का आज हल करे। साजिशों के जाल में आंदोलन के फंसकर भटकने का सिलसिला बहुत पुराना है। इस विरोध प्रदर्शन को आम किसानों का विरोध प्रदर्शन तो बताया जा रहा है, लेकिन सबसे ज्यादा नुकसान आम लोगों को ही हो रहा है। दिल्ली के बॉर्डर जाम है, दफ्तर जाने वाले लोग परेशान हैं। संयुक्त किसान मोर्चा के ग्रामीण भारत बंद के समर्थन में रोहतक, झज्जर, हिसार, जींद में बसे नहीं चली, जिसकी वजह से आम लोग ही परेशान हुए। यात्री घंटों गाड़ी के इंतजार में बैठे रहे। किसान आंदोलन के कारण पिछले दिनों दिल्ली बॉर्डर को सील किया गया था। उसके बाद से दिल्ली की सीमा पर चार दिनों से भीषण जाम जैसी स्थिति बनी हुई है। ऐसी ही हालत दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर पर दिखाई दी। हाईवे पर लंबा जाम लगा और मिनटों का सफर घंटों में भी पूरा नहीं हो पाया। स्कूल जाने वाली बसें भी फंसी रही। लोग पूछ रहे हैं, आखिर इस आंदोलन और विरोध की वजह से आम लोग क्यों परेशान हो रहे हैं? किसानों को रोकना चाहिए ना सख्ती से, नहीं तो वो बिल्कुल बर्बाद कर देंगे सब। मतलब लोगों के काम धंधे बंद हो गए, कोई आ नहीं सकता, इतनी मजबूरी है लोगों के हिसाब से। गवर्नमेंट को सख्ती करनी चाहिए और इनकी हजामत बनानी चाहिए जो इनको अकल आ जाए। रिक्वेस्ट करेंगे, आप भी चाहते होंगे कि बच्चे आगे बढ़े तो हमारे एग्जाम देने में उनको भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो वो अपना प्रोटेस्ट बिल्कुल अहिंसा की राह पे कर रहे हैं तो वो सही है, लेकिन अगर कोई लड़ाई झगड़ा हुआ तो वो उनके लिए भी सही नहीं रहेगा और हमारे एग्जाम के लिए, हमारे फ्यूचर के लिए भी नहीं सही रहेगा। किसान संगठन भारतीय किसान यूनियन ओग्राहा ने घोषणा की है कि वो शनिवार को पंजाब बीजेपी के तीन दिग्गज नेताओं के घर का घेराव करने वाले हैं। बीकेयू ओग्राहा ने पंजाब के पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह, बीजेपी पंजाब के अध्यक्ष सुनील जाखड़ और भाजपा नेता केवल सिंह ढिल्लों के घरों के आगे डेरा डालने का ऐलान किया है। दिल्ली के बॉर्डर पर हंगामा जारी है। किसानों ने दिल्ली में घुसने की कोशिश की और उन्हें रोकने के लिए पुलिस को आंसू गैस के गोले दागने पड़े। सवाल यह है कि इतनी बड़ी संख्या में किसान अचानक कैसे दिल्ली को बंधक बनाने के लिए उमड़ पड़े? किसानों का यह आंदोलन कैसे इतने बड़े स्तर पर तब्दील हो गया जिसकी वजह से दिल्ली की सभी सीमाएं सील हो गईं? तो इसका जवाब खुफिया एजेंसियों की रिपोर्ट में मिलता है। ये बख्तरबंद गाड़ियों में किसान आते हैं क्या? ये तो उपद्रवी किसान है और एक राज्य के कुछ एक राजनीतिक दल से प्रेरित कुछ लोग हैं। इस तरीके से उपद्रव मचा करके और कुछ भी कर लें, ये संभव नहीं है। MSP की गारंटी कानून का वादा किया गया था, दो साल से किसान इंतजार कर रहे थे, लेकिन आखिरी संसद का सत्र खत्म हो गया, कानून नहीं बना। किसानों के आंदोलन को लेकर खुफिया रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें बताया गया है कि इस प्रोटेस्ट के लिए कई महीने पहले से तैयारी शुरू हो चुकी थी। रिपोर्ट की माने तो किसान ट्रैक्टर मार्च निकालने के लिए 40 रिहर्सल कर चुके हैं, जिनमें 10 रिहर्सल हरियाणा और 30 पंजाब में की गई है। पंजाब के गुरुदासपुर में सबसे ज्यादा 15 ट्रैक्टर मार्च रिहर्सल की गई है। रिपोर्ट के मुताबिक इस आंदोलन को लेकर 100 से ज्यादा मीटिंग्स हो चुकी हैं और ये योजना बनाई गई है कि 15 से 20 हजार किसान 2 से 2,500 ट्रैक्टर्स के साथ दिल्ली पर चढ़ाई करेंगे। नहीं, उस समय परेशानी लोगों को हुई है, आज भी वो लोग लगातार इस समय उनकी वीडियोज आ रही हैं कि इस प्रकार इसको रोकिए, किस प्रकार से हमारा बिजनेस समाप्त हो गया, हमारा ये खत्म हो जाएगा, हमारा वो खत्म हो जाएगा, हमको बचाइए। यानी एक तरफ तो वो आक्रमण टाइप जैसा होता है, जैसे कोई एक सेना आक्रमण करने के लिए चलती है, इस प्रकार का माहौल बनाना और उसमें भी यानी ट्रैक्टर, ट्रॉली, JCB, हार्ड ड्रॉ और क्या क्या लेके चलना और एक एक साल का राशन लेके चलो, यानी ये जो आह्वान किया जाता है, तो इसके अंदर हमें नागरिकों की सुरक्षा, उनकी भी सुरक्षा चाहिए, नागरिकों को भी चाहिए, आखिर किसान भी वो अपने ही अपने देश के बाहर के नहीं है। किसानों का आंदोलन 2.0 साजिश का हिस्सा है या फिर किसान वाकई अपनी मांगों को लेकर एक बार फिर सड़कों पर है, इसका इशारा खुफिया रिपोर्ट से मिल जाता है। लेकिन बड़ी बात यह है कि ऐसे समय में जब देश को आम चुनावों पर पैसे खर्च करने हैं, यह आंदोलन अर्थव्यवस्था को गहरी चोट पहुंचा रहा है। तो
किसानों के दिल्ली कूच के कारण सीमाओं पर सख्त पहरे से दिल्ली के बाजारों में व्यापारियों की सांसें भी अटक गई हैं। चैम्बर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री के अनुसार दिल्ली के बाजारों में ग्राहकों की संख्या 75% तक गिरावट आई है। वहीं 15,000 से ज्यादा व्यावसायिक वाहन दिल्ली नहीं पहुंच पाए। रिटेल की छोटी दुकान चलाने वाले व्यापारियों का भी दावा है कि बॉर्डर जैम और आंदोलन की वजह से उनका 95% कारोबार चौपट हो चुका है। सारे लोग, इतनी दिक्कत हो रही है, बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है। कैसे ऑफिस जाए, कैसे काम करे, कितना हमारी इकोनॉमी में इसका नुकसान हो रहा है। कोई देखने वाला नहीं, कुछ सुनने वाला नहीं है। महीने महीने पर फार्मर बैठे रहते हैं यहाँ पे, कितना मतलब कौन सुने, कौन समझे इस बात को। बेसिकली मतलब लाखों रुपए का नुकसान हो जाता है काम के लिए। बेसिकली सामान आने जाने में काफी दिक्कतें हो रही हैं, जिस वजह से फैक्ट्री में लेबर खाली बैठानी पड़ रही है हम लोगों को। उसके बाद आने जाने में भी डेली वेजेस में बहुत दिक्कत हो रही है, निकलने बैठने में, गलियों में बहुत सारा आप देखोगे तो रश हो रहा है। शाम को घर पहुंचने में जो हमको नॉर्मली आधा घंटा लगता था, ट्रैफिक होने की वजह से 1.5-2 घंटे लगाने पड़ रहे हैं। पैदल नहीं निकल सकते, गाड़ी तो बहुत मुश्किल सी बात है, पैदल निकलना मुश्किल है। देखो सारी दुकानें बंद है, जहाँ 8 बजे रात को निकलते थे वहाँ 5-6 बजे निकलना पड़ता है। काम पे बहुत फर्क पड़ रहा है, बहुत ज्यादा फर्क पड़ रहा है। किसान आंदोलन की वजह से पंजाब, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में प्रतिदिन 3,000 करोड़ रुपए से अधिक का कारोबार प्रभावित हो रहा है। अकेले पंजाब के कारोबारियों को 875 करोड़ रुपए प्रतिदिन का नुकसान उठाना पड़ रहा है। अगर आंदोलन लंबे समय तक जारी रहा तो कारोबार पूरी तरह से ठप हो जाएगा। माल आएगा नहीं तो फिर काम कैसे होगा। तो हम लोग घर जाने के लिए सोच रहे हैं, काम बिल्कुल नहीं है, इसीलिए तो हम लोग रोड पे घूम रहे हैं, काम ही नहीं है बिल्कुल। रोहतक जाना है, कोई साधन नहीं मिल रहा है सर, अब बहुत सी परेशानी है, पैर में दर्द भी हो रहा है। देख लीजिए, हमने सारी दुकानें बंद कर रखी हैं, इधर से ये नाका लग गया, इधर से सब बंद हो गया मामला। पिछले साल भी जैसे पूरा साल खराब हो गया था हमारा। पिछली बार हुए आंदोलन से देश की अर्थव्यवस्था को हर दिन 3,500 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था, और इस बार भी अगर यह आंदोलन जोर पकड़ता है तो इतना ही नुकसान हो सकता है। दूसरी बात यह है कि किसान संगठन MSP पर जिस कानून को लागू करने की बात कह रहे हैं, वो अगर लागू हो जाए तो सरकार को हर साल 10,00,000 करोड़ रुपए अतिरिक्त खर्च करने होंगे। ये भारत के इस साल के कुल बजट का लगभग 20% होगा। इस बार बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जो राशि निर्धारित की गई है वो भी कुल 11,00,000 करोड़ रुपए के आसपास ही है।